आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम 100 वाट का एम्पलीफायर का बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले हम पीसीबी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये लेज़र प्रिंटर से प्रिंटआउट निकाला हुआ है, जिसे हम कॉपर क्लैड पर रखे प्रेस से कुछ देर तक इसे गर्म करेंगे, लगभग 10 मिनट तक। हम ये एसिड में और हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन में एचिंग करेंगे, जिससे जहाँ जहाँ प्रिंट है वहाँ वहाँ कॉपर रह जाएगा, बाकी जगह से कॉपर हट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखनी है पीसीबी कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जो हमने पहले बनाई है उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसे होल करेंगे। ये हमने मार्केट से ड्रिल मशीन खरीद रखी है, 12 वोल्ट डीसी पर चलने वाली ड्रिल मशीन है ये, इससे अच्छी तरीके से होल कर लेंगे हम। होल करने के बाद ये जो इस पर काले कलर का प्रिंट जो अभी भी चढ़ा हुआ है, इसे हम स्टील वूल से हटा देंगे, ताकि हमारा जो कॉपर के ट्रैक्स हैं वो हमें दिखने लगें और हम उस पर सोल्डर कर सकें। ये लगभग हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है। अब कंपोनेंट साइड जो लेज़र प्रिंटर से निकली हुई है, इसे भी प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसे तुरंत हटा देंगे। कागज़ को हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं, फिर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये है वेजिटेबल ऑयल है, सरसों का तेल। इसे इस पर लगाएंगे तो ये कलर डार्क हो जाएगा। उसके बाद इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना है। हमारा पीसीबी माउंटिंग के लिए तैयार है, हम इसे माउंटिंग कर रहे हैं। हम इसमें डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी बनती है, उसके बाद टेस्टिंग भी दिखानी होती है। आपके लिए पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कंपोनेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं और नंबर भी लिखे हुए हैं, वैल्यू भी लिखी हुई है। आप जैसी जैसी वैल्यू लिखी हुई है कंपोनेंट्स की, वैसी वैसी वैल्यू आप लगाते चले जाएं। उसके बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे, वो टेस्टिंग करें। अगर वो आपका बोर्ड सक्सेसफुल रहता है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, स्पीकर से कनेक्ट करके बजा भी सकते हैं। माउंटिंग लगभग हो चुकी है। अब नेल कटर से दो जंपर काट लेंगे, जो यहाँ पर जंपर मारने हैं उन्हें जंपर लगा देंगे। उसके बाद पीछे से कटिंग करके सोल्डरिंग कर देंगे। कटिंग के लिए आप वायर कटर का उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपके पास नेल कटर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके 5200 ट्रांजिस्टर जो लगाने हैं इसमें, वो हीट सिंक पर माउंट कर लें। माउंटिंग की वीडियो हमने इसमें डाली नहीं है, अगली बार से वो भी लगाएंगे। इसमें हीट सिंक पर माउंटिंग करने के बाद ट्रांजिस्टर लगा लिए हमने। अब जो इसमें सप्लाई देनी है हमें, वो हम इसमें देंगे 30-30। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 30-30 5 एम्पियर का। ये वायरिंग हम कर रहे हैं। येलो वाली जो वायर है वो 0 है, और रेड और ब्लैक की जो वायर है वो 30-30 वोल्ट है, यानी एक्टिव वायर है वो। थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इसे हम सोल्ड करते हैं इस पर। पहले थोड़ा सा सोल्डर कर लेते हैं ताकि वायर आसानी से चिपक जाए। ये हम पहले 30 लगा लेते हैं, 30 वोल्ट की। उसके बाद दूसरी 30 वोल्ट एसी लगाते हैं, जो रेड कलर की है। उसके बाद जो नीचे आएगी वो ग्राउंड की वायर आएगी, सेंटर टैप्ड वायर जिसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर से बीच वाली वायर जो आती है।
ये ग्राउंड लगा लेते हैं इसमें। अब स्पीकर की आउटपुट भी यहीं से निकालनी पड़ेगी, स्पीकर की जो दूसरी ग्राउंड लगती है वो यहीं से ग्राउंड लेनी पड़ेगी, जिसमें बीच में आपको होल दिख रहा है एक। एक पोटेंशियोमीटर लेंगे जो हमें सिग्नल देने का काम करेगा इसमें, जिससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये एक सॉकेट है, सॉकेट का कनेक्टर है, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड पिन कनेक्ट करेंगे, टोन की जो तीसरी पिन होती है वो ग्राउंड होती है, और कॉर्नर वाली पिन पे इनपुट देंगे हम ऑडियो का, बीच वाली पिन से आउटपुट लेंगे जो हमारे उसमें बोर्ड में सिग्नल के तौर पर जाएगा। ये रेड वाली वायर इस पिन पर लगा लेते हैं। नॉब लगा लेते हैं, ये ऑक्स है आप देख सकते हैं। अब डिजिटल क्लैंप मीटर लेंगे, उसको एम्पियर एसी एम्पियर पर सेट करेंगे और जीरो होने तक इसको एक्टिव वायर में लगाएंगे, यानी जिसमें ट्रांसफार्मर से करंट आता है। ट्रांसफार्मर से थोड़ा दूर रखना है इसे, इसके बाद बोर्ड से इसे चालू करेंगे। ऑन करते के साथ ही यदि ये जीरो एम्पियर दिखाता है तो मतलब आपका बोर्ड सही है। अगर ये जीरो से पाँच या एक एम्पियर का कोई लोड दिखाता है तो इसका मतलब बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है और बोर्ड हीट होगा। तो ऐसे में बोर्ड पर स्पीकर वगैरह ना लगाएं, ये हम बारी बारी से दोनों वायर्स में चेक कर लेंगे। अब हमारा बोर्ड सही है, ये जीरो एम्पियर मेज़र कर रहा है। अब कुछ मेज़रमेंट्स करेंगे, वोल्टेज मेज़रमेंट्स, डीसी में मीटर को सेट करेंगे और ग्राउंड लगा के सप्लाई चेक करेंगे। ये प्लस की 39 वोल्ट आ रही है, यानी 39 वोल्ट आ रही है, और यहाँ माइनस की 39 वोल्ट आ रही है। दोनों के पीक टू पीक लगभग 80 वोल्ट आएगी, वो हम चेक करते हैं। ये लगभग हमारी 80 वोल्ट आएगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 80 वोल्ट लगभग आ रही है। अब स्पीकर आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे, स्पीकर आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ जीरो आना चाहिए। यदि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब सर्किट कहीं से गलत है या शॉर्टिंग है। यहाँ जीरो आ रही है, हम सेफली इसमें स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वह हम इसमें स्पीकर की वायर लगाएंगे, ये हमने स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। ये स्पीकर की आउटपुट है, पॉजिटिव है ये, जो स्पीकर के प्लस टर्मिनल में जाएगी। ये एक वायर लगा लेते हैं यहाँ पर, दूसरी वायर कनेक्ट कर लेते हैं, ग्राउंड में लगाएंगे। ये उसी ग्राउंड पर लगेगी जहां ट्रांसफार्मर का ग्राउंड लगता है। अब जो हमने पोटेंशियोमीटर लगा के वॉल्यूम कंट्रोल बनाया था, इससे सॉकेट को इससे कनेक्ट कर लेंगे और सर्किट को सीधा रख लेंगे। पोटेंशियोमीटर के नॉब को बिल्कुल जीरो पर रखें और डिजिटल क्लैंप मीटर लगा रहने दें। सर्किट को ऑन करते हैं, अब आप देख सकते हैं अभी भी ये जीरो मेजर कर रहा है। ये हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है सिग्नल देने के लिए। इसमें वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो पे सेट कर दें ताकि एकदम आवाज ना जाए। अब चालू करते हैं साउंड। We'll be right back.
हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप ये बोर्ड रेडीमेड बना हुआ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप इसे रेडीमेड भी मंगा सकते हैं और DIY किट वगैरह के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।